सो दिस इज बिहाइंड द सीन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एनिमेशन. इस एनिमेशन के अंदर मेरा कैरेक्टर लेटा हुआ है. लेटा हुआ है? किसके साथ? कहाँ लेटा है? इतनी फ्लोर पे लेटा है और फोन देख रहा है. वैसे फोन में देख क्या रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपनी टांगे हिला रहा है. ये बहुत ही सिंपल सा एनिमेशन है पर कुछ लोग इसके लिए भी 10 मिनट के वीडियो बना लेते हैं पता नहीं कैसे. एनीवेज अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं, एनिमेशन ट्यूटोरियल. फोन के अंदर ऐसा एनिमेशन बनाने के लिए फ्लिपाक्लिप को ओपन करो. यहाँ एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं और उसको नेमिंग देते हैं टांगे हिलाता हुआ कैरेक्टर. नाउ स्टेप वन, सबसे पहले अपने कैरेक्टर को ड्रॉ करो जो कि मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है. इतनी जल्दी? तो क्या हुआ? ड्रॉ किए कैरेक्टर को मैंने तीन अलग अलग लेयर्स में रखा है. सबसे ऊपर वाले लेयर पे बॉडी ड्रॉ की, फिर हेड को मैंने अलग लेयर पे इसलिए बनाया क्योंकि फोन और फेस एक साथ ड्रॉ करना मुश्किल हो रहा था. उसके बाद थर्ड लेयर में कैरेक्टर का दूसरा पैर. स्टेप टू, अब इसको कलर करेंगे. ये बॉडी को कलर करने से पहले मैं इसके लाइंस को जॉइन कर लेता हूँ ताकि कलर इसके बाहर ना जाए क्योंकि ये सिर और बॉडी अलग अलग लेयर्स पे है. कलरिंग के साथ साथ शेडो भी ऐड कर लेते हैं. यहाँ मैंने एयर ब्रश सिलेक्ट किया डार्क कलर के साथ और हेड वाले लेयर पे कैरेक्टर के बॉडी के बॉर्डर्स को ध्यान में रख के ब्रश से शेडो बनाओ. मैंने शेडो ऐड करते वक्त हेड वाले लेयर को ही क्यों सिलेक्ट किया ये तुम्हें आगे समझ में आएगा. स्टेप थ्री, इसको कॉपी करके एक सेकंड फ्रेम बनाओ और सेकंड फ्रेम के अंदर अब मैं ये क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाके पैर का इतना पार्ट सिलेक्ट करता हूँ और खाता हूँ. थोड़ा सा अपवर्ड मूव करके सेट करता हूँ. ये जो कलर गैप पड़ गया है इसको फिल करना पड़ेगा. वैसे तो हम पूरा एनिमेशन बनाने के बाद भी कलरिंग कर सकते थे और उसमें ये प्रॉब्लम भी नहीं आती, लेकिन मुझे कलर करने की जल्दी थी. तुम ये गलती मत करना. अब पहले वाले फ्रेम को एक और बार कॉपी पेस्ट करके ये जो मूवमेंट एनिमेशन बनाया है इसमें एक मिड फ्रेम को ऐड करो. सेम कलर गैप को फिल कर दो. तो इस तरह से ये एक पैर का मूविंग एनिमेशन बन गया. अब सेकंड फ्रेम के अंदर थर्ड लेयर में आओ, एक और बार क्रॉप वाले ऑप्शन का यूज करके ये बैकग्राउंड वाले पैर को सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा डाउनवर्ड बेंड करते हैं क्योंकि ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. वैसे ही थर्ड लेयर में इसको इस तरह से सेट करेंगे. लो हो गया. स्टेप फोर, अब ये जो तीन फ्रेम का एनिमेशन बन गया है तो इन तीनों फ्रेम्स को इनके रिवर्स ऑर्डर में एक बार कॉपी पेस्ट कर दो, फिर जितना लंबा सीन चाहिए उतना लंबा इसको एक्सपेंड करते चलो. बस इतना ही था इसका पूरा प्रोसेस. ऐसे एनिमेशन को लूप पे लगाकर एक अच्छा इंट्रो या आउट्रो बना सकते हैं. एग्जांपल के लिए ये. Still looking at me like that. Why you still looking at me?